कुछ गाने होती है जिसको देखने के बाद आंखों को सेटिस्फेक्शन मिलती है और दिमाग में अश्लीलता, क्योंकि उसका जो विजुअल है ना थोड़ा टॉप लेवल का होती है भाई साहब। वेलकम बैक बॉयज विद मनीष। उन बिना मतलब के बॉयकॉट गैंग और हेटर्स के लिए मेरे ओर से थोड़ा बहुत खट्टा मीठा पेशकश। देखो पठान का बेशरम रंग मुझे वाव फील तो नहीं किया लेकिन अच्छा लगा। गाने के विजुअल मुझे बहुत अच्छा लगा, साथ में दीपिका की हिलती हुई कमरिया नौरा फतेह की याद दिला दी। क्यों पसंद नहीं आएगा ये गाने, दिल से सुनो आपको अंदर से एक वाइब सुनने मिलेगा। इस गाने को लेकर नेगेटिविटी मत फैलाया करो, इतना जलपरिया देखे प्यार बरसाओ यार। गाने की नाम ही है बेशरम रंग, तो इसमें आपको सिर्फ बीच बिकिनी में बेबीज यही देखने मिलेगा या फिर आपने कुछ और सोच के रखा था क्या? जब आप ध्यान से सुनोगे इस गाने को, इस गाने के लिरिक्स में बहुत सारे बातें हैं। जब किसी से इसका नशा चढ़ जाता है तो फिर वो सारी शराफत और शर्म भूल जाती है। बिकिनी और हॉट पर से ध्यान हटा कर इस गाने को ठीक से सुनोगे तो ये किसी कविता या फिर शायर से कम नहीं। और गीत की ये लाइन, हमें तो लूट लिया मिलके इसके बालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों में, नशा चढ़ा है जो शरीफी का, उतर फेंका है बेशरम रंग, कहाँ देखा है दुनिया वालों ने। हर एक लाइन में मीनिंग है ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा है, हमें इस करने वाले बहुत तंग करके रखा है। अपने प्यार का इजहार तो करते हैं फिर हमें बीच में आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं अपने ख्यालों के साथ। जितना शराफत दिखाना था समाज के सामने वो दिखा दिया, अब उस शराफत की चादर को उतर के फेंक रहा हूँ। अब मैं अपनी आशिक की मोहब्बत में पूरी तरह से बेशरम होने के लिए तैयार हूँ और नहीं तड़पना है। आप मुझे कुछ ऐसे आदत सी लग चुकी है जो दुनिया वालों के सामने गलत हो सकती है लेकिन गलत तो गलत ही सही, क्योंकि हमने शराफत को छोड़ के इसकी बेशर्मी को अपना ली है। इश्क में क्या सही और क्या गलत नहीं देखा जाता है, और इस टाइम के हिसाब से इसे गलत कहना, गलत ठहराना भाई क्या कहे, कि पब्लिक का हर किसी के दिमाग में अलग अलग सोच है यार। कोई बोलता है इसे जगजीत सिंह का कोई फरियाद का कॉपी किया गया, कोई बोलता है जेन मेकबा का उसका सॉन्ग का इस पे कुछ कॉपी सीन दिखाई जाता है, और कोई बोलता है इसे घुंगरू का कॉपी किया गया। अरे भाई अलग अलग आदमी अलग अलग सोच अलग अलग थॉट है यार। हाँ ये गाना सुनने को थोड़ा भाई ऐसे लगा कि भाई ऐसे कहीं पहले सुना सुना लग रहा है लेकिन अच्छा मजा आ रहा है यार। हाँ इसका मेन नेगेटिव पॉइंट ये है, दीपिका को बिकनी में बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी इसका कॉस्ट्यूम डिजाइनर है उसे कौन से एंगल से ऐसा कॉस्ट्यूम दीपिका को मैच किया भाई उसे पता है। 2 दिन में 35 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, तो और क्या चाहिए, पब्लिक से नफरत कर रहे या फिर हेट फैला रहा है तो पब्लिक को ही पता है। और मेरा वीडियो में कुछ गलत हो, आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ सॉरी से ना, तो भाई कमेंट करके बोलो यार। और मेरा ऐसे वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, फिर सब्सक्राइब कर दो, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ना। बाय बाय प्लीज मिलते हैं।